An expanse of pure white serenity. ये एक्सप्रेशन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इस चैप्टर से लिया गया है, क्लास 11th हॉर्नबिल जो बुक है इंग्लिश की। इसमें जो नैरेटर है वो ये कहता है कि जो इनकी दादी हैं वो कैसे हैं, वो जैसे हैं कि जो माउंटेन्स का लैंडस्केप होता है ना, यानी कि विंटर के टाइम पे माउंटेन्स का जो लैंडस्केप होता है कैसा होता है, दूर तक बर्फ होती है, एकदम सफ़ेद चारों तरफ होता है, शांति होती है, क्योंकि उस बर्फ़ में नहीं कोई परिंदे होते, नहीं कोई जानवर बाहर होते, नहीं कोई चिड़ियाँ उड़ रही होती हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि ब्रीदिंग कंटेंटमेंट एंड पीस, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो शांति ही शांति चारों तरफ है। ये कंपेयर कर रहा है इस चीज़ को किसके साथ, अपनी दादी के साथ। एन एक्सपेंस होता है फैलाव, यानी कि वो जो माउंटेन दूर तक फैले हुए होते हैं, और प्योर वाइट होता है, एकदम बर्फ स्नोइंग होती है, तो पड़ी हुई तो जो बर्फ़ होती है एकदम प्योर वाइट होती है, सफ़ेद होती है, एंड सीरीन होता है, सीरीनिटी का मतलब होता है पीसफुल, एकदम शांति होती है। तो ये कह रहे कि यही फीचर्स मेरी दादी में है, वो भी एक वाइट साड़ी पहनकर, है ना, वो भी एक पीसफुल और काफ़ी शांत है और काफ़ी सेटिस्फाइड होती है, वो रोजरी, वो मतलब बेड्स बोलते हुए, तो जो वाइट साड़ी पहनकर, है ना, ऊपर से नीचे तक वो पहनकर एकदम वाइट साड़ी, और बाल भी जो उसके, है ना, सिल्वर लॉक्स, यानी कि सफ़ेद बाल भी उसके, साड़ी भी सफ़ेद, उसके चेहरा भी एकदम सफ़ेद जैसा, क्योंकि अब कलरलेस हो चुका है, ब्लडलेस हो चुका है एक एज्ड उम्र में, तो ऊपर से वो शांत हैं, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। तो इसको ये कंपेयर करता है इस माउंटेन लैंडस्केप को अपनी दादी के साथ में, राइट?